अच्छा जी अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की हमारे पास मैथ्स की बुक है राइट फर्स्ट ईयर का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं और मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि एग्ज़ाम में कौन कौन से इस चैप्टर से रिलेटेड एम आते हैं और क्वेश्चन आते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है हम देखें हैंड टू हैंड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना और ज़्यादा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और जब हम टेन ईयर फाइव ईयर या हम जब पेपर देखेंगे तो हमें पता होगा कौन सी चीज़ कहाँ से आई है और आप अपने लिए एटलीस्ट 15 टू 20 मिनट्स अपने लिए तो आप निकाल ही सकते हैं ना ताकि आप बहुत अच्छा पढ़ें राइट right? और मैं भी बहुत अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि आपको अच्छा पढ़ाऊं सो हेयर आई एम गोना सॉल्व बेसिक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर राइट सो हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं हाउ मेनी कॉम्प्लेक्स नंबर वी हैव फोर विच एडिशन एडिशन सेकेंड हमारे पास आ जाएगा सब्ट्रैक्शन राइट देन थर्ड हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन एंड फोर्थ हमारे पास क्या आ जाएगा डिवीजन राइट ठीक सो ये हमारे पास क्या है फोर ऑपरेशन से राइट right? सो so, हम यहां पे अभी डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑपरेशन के बारे में राइट राइट तो यहां पे हमारे पास क्या है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लेट कर लिया मैंने लेट कर लिया क्या सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर राइट जेड वन विच इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी राइट देन जेड टू हमारे पास क्या हो जाएगा सी ए बी सी डी होता है ना सी प्लस आयोटा डी राइट अब हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट एडिशन ना तो हम एक काम करें हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं भाई कोई प्रॉब्लम हमें यह फाइंड आउट करना है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर राइट तो z1 वन प्लस हमारे पास आ जाएगा z2 टू इजिकस टू जेड वन जल्दी से बताएं हमारे पास क्या है a प्लस आयोटा d आयोटा b राइट right? ठीक और z2 हमारे पास क्या है c प्लस आयोटा d राइट right? अब हम क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे a जो रियल पार्ट है ना उसको एक जगह लिख ले, लेंगे ए और सी हमारे पास क्या है रियल पार्ट है ना राइट right? देन हम क्या करेंगे इमेजनरी पार्ट यानी कि हम इसको एक बात बनाएं आयोटा बी और प्लस का आयोटा डी ले लेंगे राइट right? ठीक तो यहां पे हम क्या करेंगे अब एक बात बताएं यहां से क्या कॉमन आ रहा है आयोटा सो so हम आयोटा को हमने कॉमन ले लिया राइट right? ठीक अब हम क्या करेंगे अब इसको ऑर्डर पेयर में भी हम लिख सकते हैं कैसे एक बात बताएं ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी हम लिख सकते हैं राइट right? ठीक सो ये हमारे पास आ गया क्या ए कॉमा बी प्लस सी कॉमा डी सी कॉमा डी ठीक है जी तो विच इज इक्वल टू ए प्लस सी यानी कि ए प्लस सी और बी प्लस डी राइट इसको देखें हम ऑर्डर पेयर में भी हम लिख सकते हैं ना इसको हम ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं राइट ठीक तो ये हमारे पास क्या आ गया फॉर्मूला हैव टू कॉल ये कह सकते हैं हम, ठीक? अब इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं राइट सो हेयर वी हैव मैंने लेट कर लिया अच्छा एग्जाम्पल अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्या एग्जाम्पल हमारे पास आ रही है एग्जाम्पल नंबर वन अच्छा हम ये खुद से भी एग्जाम्पल बना सकते हैं तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा ये एमसी क्यूज में आता है राइट ये एमसी क्यूज में आता है कि ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ होता है और उसको एडिशन में बनाना होता है और उस टाइम पे हम पूरे क्या हो जाते हैं ब्लैंक हो जाते हैं हमें समझ में ही नहीं आता वट शुड वी डू यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है थ्री प्लस सेवन आयोटा राइट देन हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस सिक्स प्लस नाइन आयोटा राइट अब एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मालूम करना है राइट यानी कि z1 वन प्लस जेड क्या करेंगे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में ये जो ये वाली ट्राम है जो रियल नंबर है रियल नंबर से ऐड हो सकती है बिल्कुल हो सकती है थ्री प्लस सिक्स आ गया राइट right? ठीक यहाँ पे भी मैंने प्लस लिखा आयोटा की वैल्यू को आयोटा से कर दें सेवन आयोटा प्लस का क्या आ जाएगा मेरे पास नाइन आयोटा राइट right. ठीक अब एक बात मुझे ये बताएं ये दोनों को ऐड करें हम तो क्या आ जाएगा ये हमारे पास जल्दी से बताएं नाइन इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा सिक्सटीन आयोटा सो दैट विल बी आंसर जेड वन प्लस जेड टू राइट ठीक सो ये अगर जब ये एम सी क्यूज में आए तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा राइट right? ठीक अच्छा अगर ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ आ जाए क्या अगर ऑर्डर पेयर में हमारे पास लिखा हुआ आ जाए तो वॉट शुड वी डू ऑर्डर पेयर में अगर लिखा हुआ है जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर टू ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है लाइक टू कॉमा थ्री प्लस वन माइनस का सिक्स इस तरीके से ये एमसीक्यूज़ क्यूज में आता है ठीक है और बच्चे क्या होते हैं ब्लैंक हो जाते हैं कि ये हमने क्या करना है कुछ भी नहीं करना आपने आपने क्या करना है फर्स्ट वैल्यू को यानी कि ए और वन ए टू और वन को हम क्या कर देंगे एड कर देंगे तो क्या आ जाएगा थ्री ठीक हम इन दोनों को क्या करें ऐड करें क्योंकि बीच में क्या है प्लस है और थ्री और क्या आ जाएगा माइनस का सिक्स तो जल्दी से बताएं क्या आ जाएगा माइनस का थ्री बस हमें ये करना है दैट विल बी आंसर ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में कहलाएगा ठीक तो ये एमसीक्यूज़ क्यूज में आता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ठीक आगे बात समझ में अब इसी तरीके से एडिशन था अब हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन अब क्या आ जाएगा सेप्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत आसान है ये भी सिर्फ यहाँ पे क्या है सेप्ट्रेक्शन है वही मैंने क्या किया डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक मैंने टू कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लेट कर लिए अगेन लेट करा जी वन लाइक जेड वन विच इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी राइट देन जेड टू मेरे पास क्या आ जाएगा सी प्लस आयोटा बी डी सी के साथ डी आएगा राइट right? अब सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं ना हम तो क्या आना चाहिए माइनस एडिशन कर रहे थे तो क्या आया था प्लस जल्दी से बताएं माइनस करेंगे जेड वन माइनस का जेड टू जल्दी से बताएं क्या आ जाएगा ए प्लस आयोटा बी राइट तो बीच में आ जाएगा माइनस राइट से सी प्लस आयोटा डी राइट तो जल्दी से बताएं ए सी से जाएगा यानी कि ए माइनस सी राइट ठीक फिर क्या आ जाएगा हमारे पास एक बात बताएं मैं यहाँ पे कॉमा लगा के b माइनस डी लिख सकती हूँ अब ये तो चीज आपको समझ में आ गई है ना कि इमेजनरी पार्ट इमेजनरी पार्ट से जाएगा ठीक सो बी माइनस क्या आ जाएगा डी सो so, यहाँ पे आ गया हमारे पास क्या सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इट इज कॉल्ड सब्ट्रेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये हमारे पास आ गया इसका फॉर्मूला राइट सो आप एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एग्जाम्पल में आपको किस तरीके से समझ में आएगा लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल एग्जाम्पल हमारे पास क्या कह रहे हैं <coughs> जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर वन क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास सिक्स प्लस फाइव आईओटा और बीच में क्या आ रहा है माइनस तो समझ जाए ये क्या है सब ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और बीच में प्लस आएगा तो क्या मतलब हुआ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर राइट सो यहां पे हमारे पास आ गया फोर प्लस थ्री आईओटा कोई रॉकेट साइंस नहीं है क्या करना है इसमें रियल अब रियल पार्ट को रियल पार्ट से करें सिक्स माइनस फोर आ गया ठीक है जी और क्या आ जाएगा प्लस फाइव एज इट इज रहा ठीक आयोटा और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस थ्री आयोटा आ गया ठीक कोई प्रॉब्लम तो यहाँ पे देखें माइनस करें तो क्या आ जाएगा टू ठीक और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस टू आयोटा राइट सो दैट विल बी आंसर दैट विल बी आंसर इन क्या जेड वन माइनस का जेड टू राइट ठीक सो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है अब ऑर्डर पेयर में हो सो वॉट शुड वी डू अब ऑर्डर पेयर में हो तो क्या करेंगे हम लेट सी अगर ऑर्डर पेयर में आ जाए तो कोई घबराने वाली बात नहीं है घबराना नहीं है राइट right? सिंप्लीफाई अगर आ गया ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है सेवन कॉमा एट और क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का फाइव कॉमा सिक्स ऑर्डर पेयर में जल्दी से बताएं मैंने आपको क्या बताया था फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट वैल्यू से जाएगी राइट सेवन माइनस का फाइव कॉमा एट माइनस सिक्स राइट तो क्या आ जाएगा यहां पे जल्दी से माइनस करें क्या आएगा टू <coughs> जल्दी से बताएं यहां पे सेवन में से फाइव माइनस गए तो कितना आ गया हमारे पास टू और यहां पे माइनस करें तो क्या पे आ जाएगा टू तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ऑर्डर पेयर में आ गया है ठीक तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा आएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर राइट right? ठीक <coughs> इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में हम मल्टीप्लीकेशन और एडिशन करेंगे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन सॉल्व करेंगे आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा और अगर नहीं आए तो कमेंट्स आप मुझे कर सकते हैं आपको कोई भी मसला है या कोई भी प्रॉब्लम हो राइट right? सो so, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा इनशाला फिर मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज़